हेलो 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब लोग ठीक हो ना? चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 3, बाहरे हमदर्द। इसके लेखक हैं घनश्याम अग्रवाल। लेखक ने इस लेसन में क्या बताया, इसके पहले हम लोग उनके बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। उनका जन्म हुआ था 1952 अकोला महाराष्ट्र में। घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल में से ही लेखन में विकसित हुई है। अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई मतलब वो पढ़ने के टाइम से ही उनको जो है राइटिंग में जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग्य में ढालना अपने लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग्य रुचि कवि के रूप में लोकप्रिय हैं। प्रमुख कृतियाँ उनकी कौन कौन से हैं? हंसी घर के आईने, हास्य व्यंग्य, आज़ादी की दुम, आई एम सॉरी हास्य कविता संग्रह, अपने अपने सपने लघु कथा संग्रह आदि। अब इस लेसन में उन्होंने क्या बताया इन शॉर्ट में जानते हैं। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है यह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। नाउ सी हियर। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया था, कार को कुछ अधिक आया यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा मतलब एकदम बोलते हैं ना गंदा फील करना, घृणा के की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। देखिए क्या हुआ, वो एक भाषण के उसमें गए थे, फंक्शन में गए थे, जब वो पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुन, पूंजीवादी मतलब जो पूंजीवादी को मानने वाला है और समाजवाद मतलब जो समाज के उस पर चलने वाला, तो इस पर भाषण सुनकर वो आ रहे थे तो अचानक से उनके सामने एक कार आ जाती है और ऐसा लगता है ना कि उनकी साइकिल जो है और वो कार दोनों जो है आपस में टकरा जाती हैं और इनकी टांग जो है टूट जाती है। वो बोल रहे हैं पर व्यंग के रूप में बता रहे हैं कि आज भी मानवता जीवित है, इसका उदाहरण देने के लिए कुछ लोग, जैसे आप लोग देखते हो ना कहीं एक्सीडेंट होता है बहुत सारे लोग दौड़ के जाते हैं, तो वैसे ही जब उनकी टांग टूटी तो लोग वहाँ पे भी दौड़ कर आए। आँख खुली तो मैंने अपने आप को बिस्तर पर पाया, इर्द गिर्द बहुत कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा मैं कहाँ हूँ। उसके बाद वो जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने अपने आप को कहाँ पे पाया, बिस्तर पे पाया, और आसपास देखा तो कुछ जो है उनके जाने पहचाने लोग और कुछ जो है अनजाने लोग खड़े थे। सबकी चेहरे पे खुशी सी आ गई और उन्होंने अपने आप को कराते हुए पूछा मैं कहाँ पे हूँ। जैसे आप लोग हो ना कि कभी चोट लगती है तो आप भी ऐसे दर्द में कराते हो ना, कराना मतलब दर्द में आवाज़ निकालना। आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेज़ी से जवाब देता है, लगता है कि होश आने तक वह इसीलिए खड़ा था, रुका रहा। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ, मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल
मतलब गवर्नमेंट पब्लिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया है। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। देखिए क्या हो, जैसे वो पूछता है मैं कहाँ हूँ, तो एक बोलता है कि आपकी टांग टूट गई है, आप एक सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हो, आपकी एक टांग टूट गई है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, एक टांग फ्रैक्चर हो गई है। ऐसे वो इतना फटाफट बोला ना कि ऐसे लग रहा था कि जैसे वो जो है सिर्फ यही बताने के लिए वहाँ पे वो रुका था। जैसे ही उन्होंने सुना तो उन्होंने देखा कि उनकी एक टांग तो उनके सही सलामत पड़ी हुई है, दूसरी टांग जो है एक उस पर स्टैंड पर लटका हुआ है। पर बोलते हैं ना कि सार्वजनिक अस्पताल का नाम सुन के लोगों के मन में डर हो जाता है, वही उन्होंने भी बताया कि सार्वजनिक अस्पताल मतलब जो है एक तरह से मतलब उनको ऐसा लगा कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। पैर का टूटना तो कम होता है, एक घटना थी, लेकिन जब वो सार्वजनिक अस्पताल का नाम सुने तो उनको लगा जो है मैं तो एक दुर्घटना, मेरे साथ में एक दुर्घटना, घटना मतलब एक छोटी सी चीज़ होना और दुर्घटना मतलब बहुत बड़ी बहुत बुरी चीज़ हो जाना। तो उनको ऐसा लगा कि पैर टूटना तो एक छोटी सी बात थी, लेकिन ये सार्वजनिक अस्पताल में एडमिट होना मतलब बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत बुरी बात है। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। आराम हराम होना मतलब परेशान हो जाना। जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है, जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि मेरे परिचितों रिश्तेदारों मित्रों आओ, जब भी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं, अपने सारे बदले हो लेने का यही वक्त है, बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आने से ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। देखिए क्या हो, टांग से ज़्यादा उनकी टांग टूटी, उनको इस बात की टेंशन नहीं थी, इस बात की चिंता नहीं थी। उनको चिंता किस बात की थी कि अरे बाप रे, अब सब लोग मिलने आएंगे यहाँ पे, मुझे परेशान करेंगे। मतलब बीमार होना, एडमिट होना एक अलग बात है, लेकिन जो है आपको पता है लोग आते हैं, परिचित लोग, पहचान के लोग आएंगे तो वहाँ पर इतनी देर तक बैठेंगे, उनको ये नहीं रहेगा कि नहीं इनको पेशेंट को थोड़ा सा आराम भी करने देना चाहिए। वो क्या करने लगेंगे, वो आएंगे तो लगेंगे अपने घर की स्टोरी बताने, अपने किसी रिश्तेदार की स्टोरी। आप कभी सुने हो ऐसे, देखे हो, ऐसे ही होता है जब आपके पास कोई हॉस्पिटल में देखने आएगा ना, तो वो इतनी सारी स्टोरीज बताएगा। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, जनरल वार्ड जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ में रहते हैं वहाँ पे तो ठीक है कि चलो एक ही साथ में मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उस पर टाइमिंग रहता है कि पेशेंट को मिलने का इतने से इतने देर ही टाइमिंग है। लेकिन जब प्राइवेट आप एक पर्सनल रूम ले लेते हो, बोलते हैं ना हम लोग ने पर्सनल रूम लिया था, जब पर्सनल रूम ले लेते हो तब क्या होता है कि वो तो ऐसे हो जाता है कि आप अपने रिश्तेदारों को एक ये दे रहे हो, इनविटेशन दे रहे हो कि आप कभी भी आइए और कभी भी मुझसे मिलिए, मेरा दिमाग इस तरह से। तो ऐसा हो गया कि बदला लेना, आपसे जो आपसे कोई बदला ले रहा है अपने आपकी गलतियों का, कि बदला का बदला भी हो जाएगा परेशान करके, और जो है हमदर्दी भी दिखा देंगे कि नहीं मैं आपके दुख में आया था, मैं आपका आपकी जब टांग टूटी थी तो मैं आपसे मिलने आया था। तो उनको ऐसा लग रहा था ना, फील हो रहा था जब उन्होंने सोचा कि अरे बाप रे, अब तो सारे रिश्तेदार सारे परिचित लोग आएंगे, तो उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी दूसरी टांग भी टूट गई है। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कभी वे अपना एहसान चुकाएं। इनकी हमदर्दी से यह बात खास छिपी रहती है कि देखा बेटा, वक्त सब पर आता है।
तो वो बोले मुझसे मिलने के लिए पहले वो लोग आए जिनके टांग टूटने पे या कुछ बीमार होने पे मैं गया था, और वो ऐसा सोच दिखा रहे थे ना कि जैसे वो खाली यही वेट कर रहे हो कि कब जो है इनकी टांग टूटे और मैं इनको देखने आऊँ। और उनका जो हमदर्दी दिखाने का तरीका था वो ऐसा था कि जैसे लग रहा था कि वो अपना हमदर्दी दिखा रहे, पर उनके टोन ऐसे थे कि जिसको लगती है ना उसी को समझ में आता है। आप लोग बार बार ये चीज़ बोलते भी हो कि जिसको लगती है ना, जिसको जिसके ऊपर बीतती है ना उसी को समझ में आता है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर ये लोग, वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती। औपचारिकता मतलब जस्ट फॉर्मेलिटी अदा करना, जो है फॉर्मेलिटी निभाना। ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया दे जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आँखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को ज़ोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली तो मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। वो क्या बताते हैं कि मतलब ऐसे सिचुएशन में ना, एक तो वैसे ही जो है मतलब मरीज जो पेशेंट है उसको नींद ऊंद नहीं आती है। जब दर्द होता रहेगा तो कहाँ से नींद आएगी, तो वैसे ही नींद नहीं आती। और जब वैसे उसको थोड़ी सी नींद आएगी तो लोग आके उसको ज़बरदस्ती जगा देते हैं। और ऐसे वो लोग करते हैं जिनको सिर्फ फॉर्मेलिटी दिखानी रहती कि नहीं भाई मैं आया, तुमको चोट लगी थी तो मैं आया था तुमको देखने के लिए हॉस्पिटल में। वो ऐसे लोग हैं ना कि वो आएंगे ना, अगर तुम जगे हुए तुम सोए हुए रहोगे ना तो भी तुमको जगा देंगे। तो इस बार इसलिए वो क्या सोचते हैं लेखक घनश्याम अग्रवाल जी कि अब ना आज ना कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा। और इतने में उनके ऑफिस के जो बाबू रहते हैं वो आ जाते हैं, क्लर्क जो रहते हैं वो आ जाते हैं और वो उनको जगाने लगते हैं। मतलब वो सोचते हैं, वो उनको सोया हुआ देखते हैं तो वापस जाने लगते हैं। फिर वो सोचते हैं अरे मैं चला जाऊंगा तो इनको कैसे पता चलेगा कि मैं आया था, इनको तो पता ही नहीं चलेगा। इसलिए वो बस दिखाने के लिए कि नहीं मैं तुमको देखने आया था करके वो उनको ऐसे धीरे धीरे हिलाना शुरू करते हैं। जब वो हिलाना शुरू करते तो भी वो आँख नहीं खोलते हैं, तो थोड़ा सा तेज़ करते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, देखते हैं कि जब वो आँख नहीं खोल रहे हैं तो जाते हैं और उनका जो पैर टूटा हुआ है ना उसी को ज़ोर से दबा देते हैं। अब ऑब्वियसली जब ज़ोर से चोट लगे हुए जगह पे कोई दबाएगा तो इंसान की आवाज़ तो, कराने की आवाज़ तो निकलेगी, दर्द तो उसको होगा ही। तब वो बोलते हैं आ, तो क्या बोलता है वो बाबू, क्या बोलते हैं उनके क्लर्क कि कहो अब दर्द कैसा है, अब बताओ अब तुम्हारा दर्द कैसा है। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होती। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। वो क्या बोलते हैं कि रोज़ कोई ना कोई आता था। मोहल्ले वाले तो ऐसे हो गए थे, उनकी तो हद हो गई थी। वो अपने सुविधा के हिसाब से आते थे, जब वो खाली रहते थे तब आते थे। एक दिन क्या हुआ, एक सोनाबाई करके उनकी पड़ोसन आती है और अपने 4 बच्चों को लेके आती है। और वो क्या बोलती है कि वो ऐसे दिखाती है ना कि जैसे लगता है कि हम लोग कहीं घूमने जाते हैं जू वगैरह में, चिड़ियाघर वगैरह में, तो हम लोग दिखाते हैं ना अपने बच्चों को या फिर हमारे पेरेंट्स हमको दिखाते, वो देखो बेटा बंदर, वो देखो बेटा शेर। तो अपने बच्चों को दिखाती, ये देखो चाचा जी, ऐसे दिखा रही थी जैसे उनको फील हुआ कि वो कोई चिड़ियाघर के बंदर हो और अपने बच्चों को बंदर दिखा रही हूँ। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है, दवा गई समझो बीमारी गई। इसके साथ
इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, वह यह कहकर कि फिर आऊँगी मैं भीतर तक कांप गया। देखो क्या हुआ, उनके साथ में बच्चे आए। अब आपको पता है बच्चे मस्ती करते ही हैं, बच्चे कोई इधर कोई उधर, कोई मेज पे चढ़ गया, कोई कुर्सी पे चढ़ गया। सोनाबाई की जो लड़की थी वो उनकी दवा की सीसी लेके खेलने लगी, ऐसे लग रहा था वो दवा की सीसी लेके कथकली एक डांस का फॉर्म है डांस करने लगी। और उनको जब रप रप की आवाज़ आई तो उन्होंने क्या देखा कि उनका एक लड़का जो है, उनकी जो पैर लटकाई हुई थी उसके साथ में एक रेत, जो बालू रेत होती है ना, उसकी मिट्टी जो है वो थैली में बांधी हुई थी, उस पर वो मारने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा हो। और वो जैसे उसको मना करने जा रहे थे वैसे ही सोनाबाई की लड़की ने क्या किया, जो है दवा की शीशी गिरा दी और वो टूट गई। पहले तो सोनाबाई ने अपनी लड़की को घूर कर देखा, फिर सोचा कि अब क्या करूं, उन्होंने बहाना बनाया, भाई साहब पेड़े खिलाओ, मेरी बच्ची ने शुभ काम कर दिया है, दवाई की शीशी गिरना जो है शुभ होता है, दवाई की शीशी गिरना मतलब दवाई गई बीमारी गई। और फिर उन्होंने जाते जाते उनको बोला कि मैं फिर आऊँगी आपसे मिलने के लिए। वो तो पूरा अंदर से एकदम डर गए कि अरे बाप रे फिर आएंगी तो अब इस बार क्या हालत होगी मेरी। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांवों से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी, उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ा रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ है। वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुँह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ, उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंखें मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना मैं गलत कमरे में आ गया था, आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है, हे अच्छा भाई माफ़ करना का करवा चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। वो क्या बोले जो है कि मतलब औपचारिकता निभाने वाले से ज़्यादा तो कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो सिर्फ फॉर्मेलिटी दिखाने के लिए हद ही पार कर देते हैं। एक दिन क्या हुआ, अचानक से उनके कमरे के सामने, उनके वार्ड के सामने जो एक टैक्सी आकर रुकी और उसमें से एक आदमी निकला और वो आके उनके सिर पे, उनके चेस्ट पे, उनकी छाती पे अपना सिर रख के रोने लगा। उसे देखा ही नहीं कि कौन है, वो छाती पर सिर रख के रोने लगा, हाय रे सत्यानाश हो उस कार वाले का, रोते हुए बोलते हैं ना कि ऐसे लग रहा था कि बहुत हमदर्दी है उनसे, सत्यानाश हो उन कार वालों उस कार वाले का, उसने आपका पैर तोड़ दिया, ये वो, ऐसे ऐसे दुनिया भर का रोने लगा। जब थोड़ी देर बाद रोने का आवाज़ कम हुई तो उसने सिर उठा के देखा तो उसको समझ में आया, अरे ये तो मेरे रिश्तेदार हैं ही नहीं, तो वो हंसने लगा और धीरे से बोला, माफ़ करना मुझे लगा कि जो है मैं गलत कमरे में आ गया, मुझे लगा कि मेरे ये गुप्ता जी का कमरा, लोग सही से बताते ही नहीं है, मतलब उतना वो नाटक कर रहा था, तो लोग तो यहाँ पे सही ढंग से बताते ही नहीं कि किसका कौन सा कमरा है क्या है। तो वो बोला कि जो है गुप्ता जी का कमरा तो लग रहा बगल वाला है। ये सब देख के उनको उस आदमी पे इतना गुस्सा नहीं आया जितना उनकी बीवी को क्या लगा कि ये, जब वो उतना रोने लगा तो उनकी बीवी को क्या लगा कि ये उनका रिश्तेदार है और वो गई और टैक्सी वाले को पैसा भी दे आई। तो वो बोले, मुझे इस समय इतना गुस्सा नहीं आया कि वो आके इतना मेरे ऊपर रोया, मुझे गुस्सा इस बात का आया कि उनकी बीवी जाके टैक्सी वाले को पैसा भी दे आई। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग ज़रूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि हैं श्री लपकानंद, उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। बेतुकी मतलब कुछ भी फालतू का।
जो है मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएँ पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। पिलाए बिना मतलब 10-20 कविता बिना सुनाए नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। अति व्यस्त मतलब अधिक व्यस्त, बहुत ज़्यादा व्यस्त। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई। और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई, यह कह झोले में से डायरी निकाली और सुन लगे सुनाने। वो बोले, हमदर्दी दिखाने के लिए तो ऐसे लोग आएंगे ना कि जिनको हम जो है पसंद भी नहीं करेंगे, जिनको देखते ही हम लोग दूर भागेंगे। इसी तरह उनके शहर में एक लपकानंद करके कवि थे, वो भी थे जिनको देखते ही लेखक घनश्याम अग्रवाल जी दूर भाग जाते थे। जो है वो क्यों दूर भागते थे, क्योंकि वो ना बिना मतलब की बेफालतू की कविताएँ लिखते थे, और जब भी मिलते थे ना वो 10-20 कविताएँ तो सुना ही देते थे, इसलिए उनको देख के भाग। एक दिन वो आए अपने बगल में झोला मतलब साइड में झोला टांगे हुए आए, बैग टांगे हुए आए, और आते ही उन्होंने बोला कि अरे बाप रे, मैं तो ना कवि सम्मेलन मतलब जहाँ पे कविताएँ कवि लोगों को मिलते हैं, सम्मेलन होता है, एक कवि सम्मेलन प्रोग्राम में मैं 4-5 दिन से बिजी था, बहुत ज़्यादा बिजी था, इसके लिए मैं जो है आपसे मिलने नहीं आ पाया, लेकिन मैं रात भर आपके बारे में ही सोचता था। मैं पूरे दिमाग में मेरे आपके ही बारे में सोचता रहता था, और रात भर इसी संदर्भ में मैंने इसीलिए मैंने एक कविता लिख दी है। और उन्होंने पूछा भी नहीं कि आप सुनोगे या फिर किस हालत में पेशेंट है, उन्होंने तुरंत अपनी डायरी निकाली और कविता सुनाने लगे। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी साइड थी रॉन्ग। कविता सुनकर वे मुझे ऐसे सुनाकर वो मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उसकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। उन्होंने इतना अजीब सा कविता उनको सुनाया, और सुनाने के बाद जैसे उनको देखने लगे जैसे लग रहा था वो पूछ रहे हो कि कविता कैसी लगी, एक साइड तो उनको ये भी पूरा हो रहा था, दूसरी साइड से ऐसा भी लग रहा था कि बोल बेटा अब भागेगा मेरी कविता को सुनकर, अब कहाँ भागेगा, भाग के दिखा, अब तो तेरी टांग टूटी है। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि अगर ये ज़्यादा देर यहाँ पर रहेंगे तो मुझे और परेशान करेंगे, तो उन्होंने फटाफट उनको चाय पिलाई और बोले कि जब मैं ठीक होकर आऊँगा ना तो आपकी कविता पक्का सुनूँगा, और ये बोल के उनको वहाँ से विदा किया, भेज दिया। अब मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा करके कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरी कोई भी परिचित ना हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। उन्होंने क्या बोला भगवान से, इतना सब होने के बाद उन्होंने भगवान से प्रे करते हैं कि भगवान आपको अगर दूसरी टांग तोड़नी है ना मेरी तो भी वो भी तोड़ दो, पर ऐसे जगह तोड़ना जहाँ पे कि कोई मेरा परिचित ना हो, कोई मुझे ऐसे हमदर्दी दिखाने ना आए, कोई मुझे इतना परेशान करने ना आए। जो है ये जो हमदर्दी दिखाने वाले होते हैं बहुत ज़्यादा बेदर्दी होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले होते हैं। समझ में आया लेसन? इन शॉर्ट ये लेसन का मतलब क्या है पता है? लेखक क्या बताना चाहते हैं, वो बोल रहे हैं ना कि हमें जो है ना परेशान करने वाले जो है मतलब लोग आएंगे हमारे पास हमदर्दी दिखाने के लिए कि नहीं भाई मुझे आपकी बहुत चिंता है, मैं आपके बारे में बहुत सोचता हूँ, पर जो है ना वो ऐसे बिहेव करेंगे ना। कुछ लोग एक्चुअली में जेन्युइनली सोचते हैं हमारे बारे में, पर कुछ लोग ऐसे हैं ना जो कि मतलब हमें सिर्फ परेशान, सिर्फ हमारे हमें दिखावे बोलते हैं ना, दिखावा करने आते हैं कि नहीं भाई हम आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन है हमें आपके बारे में। समझ में आया लेसन? वो लेखक ना ऐसे लेखक है ना जो ना सीरियस से सीरियस मैटर को भी वो एक हास्य में मतलब एक कॉमेडी के रूप में जो है व्यंग करना मतलब ताने मतलब बोलते हैं ना कि एक तरह से उनके ऊपर बोलते हुए जो है कि सामने वाले को समझ में भी आएगा कि वो किस बारे में बोल रहे हैं, पर वो जोक के रूप में एक हास्य के रूप में बोलते हैं। चलिए अभी होमवर्क लिखिए। तो ये देखिए आपके टेक्स्ट बुक के नेक्स्ट में दिए हैं जो क्वेश्चन आंसर्स होमवर्क,
वो मीनिंग्स लिखना है, और ये पूरा आपको लिखना है जो मुहावरे आए हैं उसकी मीनिंग लिखनी है और वह आपने सेंटेंस में बनाना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।